अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 5 हमारा चल रहा है उसके जो सोशल साइंस की, साइंस की और जनरल नॉलेज की जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज की इस वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने सेट 5 के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में कवर करवा दूंगी। हम लोगों ने मराठी के भी पूरे क्वेश्चन देख लिए कि कितने या किस टाइप के क्वेश्चन मराठी में आए थे, इंग्लिश में कौन से आए थे और CDP में कौन से आए थे। अब आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस, साइंस और GK, ये तीनों सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे सेट 5 के अंदर, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और आने वाली वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह मैं उनको भी कवर करवा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो का क्या है। देखिए, इंजाइम्स आर, यानी इंजाइम क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या मोल्ड्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इंजाइम क्या होते हैं? देखिए, इंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? इंजाइम को प्रोटीन कहा जाता है अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज देखें तो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक्स ईट देयर फूड बाय, यानी सांप अपनी खुराक को खाते हैं। किस तरह से खाते हैं सांप अपने खुराक को या अपने खाने को, गिजा को, यहाँ पर हमें वो बताना है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए, टियरिंग इट्स फ्लेश, यानी इसके गोश्त को फाड़कर खाते हैं। सेकेंड ऑप्शन देख लेते क्या है, अ प्रोसेस कॉल्ड कर्ड चीविंग, यानी कर्ड चीविंग नामी एक अमल के जरिए खाते हैं, या स्वेलिंग इट एज अ होल, या मजमूई तौर पर उसको निगल जाते हैं, या फिर त्याचे रक्त शोषण घे सॉरी सकिंग इट्स ब्लड, यानी उसके खून को चूस लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा, अगर एक एग्जांपल ले, अगर हम एनाकोंडा की अगर एक एग्जांपल है, तो देखिए वो जो होते हैं सांप की जो एक किस्म है एनाकोंडा, अगर हम उसको देखें तो ये क्या करते हैं, अपना जो भी गिजा होती है या जो भी खाना होता है उसको पूरा के पूरा वो मजमूई तौर पर निगल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा, यानी सांप की हर किस्म में, एनाकोंडा की एक मिसाल दे रही हूँ आपको, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में एनाकोंडा की जो फिल्में बनाई जाती है उसमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह से शिकार करते हैं, पूरा के पूरा निगल जाते हैं। लेकिन जो आम तौर पर जो छोटे छोटे मोटे सांप भी होते हैं वो भी अपनी गिजा का जो इस्तेमाल है वो इसी तरह से करते हैं। कैसे करते हैं कि वो स्वेलिंग इट एज अ होल, यानी मजमूई तौर पर वो उसको निगल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखेंगे कि टियरिंग इट्स फ्लेश, यानी उसके गोश्त को फाड़ कर, आपके सांपों के हाथ या पैर होते हैं जो वो उसे फाड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। या अ प्रोसेस कॉल्ड कर्ड चीविंग, ये इस नाम के कोई प्रोसेस यानी चबाने की प्रोसेस से भी नहीं खाते वो। या फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सकिंग इट्स ब्लड, तो सिर्फ ब्लड भी नहीं करते हैं वो, यानी खून नहीं चूसते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनकी गिजा होती है मजमूई तौर पर उसको पूरा के पूरा निगल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लांट्स दैट लिव फॉर अ ईयर और वन सीजन आर कॉल्ड एज, यानी एक साल या एक मौसम के लिए जिंदा रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, यानी ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट जो एक साल के लिए, एक सीजन के लिए जिंदा रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, एक साल को हम क्या कहते हैं, एनुअली, एनुअल प्लान हम लोग बनाते हैं ना, मतलब एक साल को क्या कहा जाता है, एनुअल। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर इन प्लांट को भी क्या कहा जाएगा, एनुअल प्लांट कहा जाएगा। अब यहाँ पर बायनियल का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है, जहाँ पर भी आपको बाय नजर आएगा, बाय डायमेंशनल, बायनियल, ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा दो, यानी ये 2 सालाना बतात को कहा जाता है बायनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट यानी क्या, यानी ऐसे जो सदाबहार होते हैं ना, हाँ, मतलब हमेशा जो जिंदा रहते हैं, सदाबहार जो जंगलात होते हैं उन्हें पेरेनियल प्लांट कहा जाता है। और श्रब्स यानी ये तो झाड़ियाँ होती हैं, ये एक टाइप है जो 3 किस्में बताई गई हैं दरख्तों की, जैसे दरख्त हो गया, नबातात की 3 किस्में जो है उसमें दरख्त हो गया, झाड़ियाँ हो गई और पौधे या बेले। तो इस तरह से इनके कुछ टाइप से 3 या 4 टाइप बताए गए, उसमें से झाड़ियाँ एक टाइप, ये सीजन के हिसाब से नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू उनकी साइज, उनकी जो ये होती है जसामत वगैरह उसके हिसाब से, ये जो श्रब है ये एक टाइप है, ये साल या जिंदा रहने के हिसाब से नहीं है। ओके, तो जिंदा रहने के हिसाब से या जो नबातात अकॉर्डिंग टू सीजन अगर हम उनकी दर्जा बंदी करते हैं तो
कैसे आता है वो, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, ये तीन टाइप के होते हैं। तो एनुअल का मतलब होता है जो एक साल के लिए जिंदा रहते हैं, बाइनियल का मतलब होता है जो 2 साल होते हैं, और पेरेनियल का मतलब होता है जो सदाबहार होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा कि ऐसे प्लांट या ऐसे नबातात जो पौधे जो 1 साल के या 1 सीजन के लिए जिंदा रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एनुअल प्लांट कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी इज एशेस आर केप्ट इन, यानी गांधी जी की जो राख थी उसको डैश में रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था। फर्स्ट ऑप्शन देखिए पुणे है, सेकेंड मुंबई है, थर्ड दिल्ली है, और इसका जो फोर्थ वन ऑफ दीज है। तो इससे पहले देखिए गांधी जी की एशेस कहाँ रखी गई थी, हम उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद हम लोग सही जवाब को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो उसकी मैं आपको बता देती हूँ क्या है उसकी डिटेल। देखिए नेक्स्ट है, द एशेस विच वेयर प्लेस्ड बाय गांधी गांधीज एड्स इन अ लॉकर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कटक इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा, यानी कहाँ पर रखी गई थी उनकी जो एशेस थी वो, कटक के अंदर रखी गई थी जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, वहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का जो लॉकर है उसमें उनकी रखी गई थी। एंड वेयर टू बी हैंडेड ओवर, और बाद में किसको हैंड ओवर की गई थी वो, टू हिज ग्रेट ग्रैंड सन, यानी उनके जो ग्रेट ग्रैंड सन थे, यानी जो पड़पोता बोलते हैं ना उन्हें, तुषार अरुण गांधी। कौन है उनका नाम क्या था, तुषार अरुण गांधी ऑन मंडे। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में या तो अगर कटक होगा तो ठीक है, या उड़ीसा होगा तो ठीक है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं अभी हमारे कि गांधी जी की जो एशेस है वो कहाँ पर रखी गई थी, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। ओके तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है पुणे मुंबई दिल्ली, तो जी नहीं यहाँ पर उड़ीसा या कैटेक चाहिए था जो कि नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो ये इसका सही जवाब है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा फिर, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दिस, क्योंकि उड़ीसा के बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में गांधी जी की जो एशेस है उसे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th सितंबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज नेशन टीचर्स डे सिंस द ईयर, यानी जो 5th सितंबर को हम लोग, ये 5 सितंबर को जो हम लोग यौमी आजादी के तौर पर मनाते हैं, टीचर सेलिब्रेट टीचर डे के तौर पर मनाते हैं, वो कौन से ईयर से मनाया जाता है, 1952 से, 1982 से, 1962 से, या 2002 से। तो ये जो टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, वो कब से किया जाता है, 1962 से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और किसकी याद में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके तो 1962 को किया जाता है टीचर डे सेलिब्रेट इंडिया के अंदर, और किसके किसका बर्थडे होता है उस दिन 5th सितंबर को, वो भी एक टीचर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके इन्होंने कहा था कि इनका जो बर्थडे है तो वो कैसे याद किया जाए, एज अ टीचर डे उसे याद किया जाए, तो इसके लिए 5 सितंबर को टीचर डे के तौर पर इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजिंग इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट इन अ प्रॉपर वे इज अ कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूस, यानी फैक्ट्रियों और अस्पतालों के फजलात के मुंतजिम तनसीक व तरतीब डैश में कमी लाने में हिस्सेदारी का एक तरीका है, यानी जो हॉस्पिटल और जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल, जो फजूल जो मटेरियल निकल जाता है, मतलब जब पूरा काम हो जाता है हॉस्पिटल में या इंडस्ट्रीज के अंदर, तो जो उसके फजूल चीजें जब निकलती हैं, तो अगर उनका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, सही तरीके से अगर उनको जहां पर डालना है वहां पर डाला जाए, रास्ते में किधर भी ना फेंका जाए, तो इसकी वजह से क्या कंट्रोल हो सकता है। ओके तो यहाँ पर देखिए GDP कंट्रोल हो सकता है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या कंट्रोल हो सकता है, GDP यानी फिक्स मजमूई आमदनी कम हो सकती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहा जाता है, उसके बाद क्या है पॉल्यूशन, क्या पॉल्यूशन आलूदगी कम हो सकती है, इसकी वजह से टैक्स कम हो सकता है, या फिर लास्ट जो ऑप्शन नंबर डी है इनकम यानी आमदनी में कमी आ सकती है। तो आमदनी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, टैक्स का भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है, और GDP ये तीनों भी एक अलग कंसेप्ट है, और यहाँ पर ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अगर कूड़ा, जैसे ये कूड़ा करकट में ही आ जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज से या जो हॉस्पिटल से, जैसे इंजेक्शन हो गया, सलाइन हो गया, या जो भी पॉलीथीन वगैरह निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर रास्ते पर या कहीं भी फेंक दिया जाए, तो इनकी वजह से पॉल्यूशन यानी आलूदगी फैल सकती है। तो अगर इनका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, इनको सही तरीके से, अगर रिसाइकल होने वाली जो चीज़ें हैं अगर उनको रिसाइकल किया जाए, जो वेस्ट मटेरियल है उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए, तो
तो इसकी वजह से क्या कम हो सकती है, आलूदगी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स ईट्स ग्रोस एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड, यानी वो माहौल जिसमें जानवर रहता खाता बढ़ता है और अपनी नस्ल को बढ़ाता है क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है, होम कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी है हाउस कहलाता है। तो देखिए इन्वायरमेंट और हैबिटेट इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में हर चीज़ें शामिल होती है, जैसे इसके अंदर हवा, हवा के अंदर मौजूद गैसेस, पानी, हर चीज़, हमारे आसपास मौजूद नबाता, जानवर, चरिंद परिंद, सब चीज़ें इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। तो ये सभी चीज़ें कायम आएंगी इन्वायरमेंट में आएंगी। अब यहाँ पर हैबिटेट जो है तो इसका जो सही जवाब है वो हैबिटेट होगा, यानी ऐसी जगह जहाँ पर इंसान जो एनिमल है वो रहते हैं खाते हैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, फिर हैबिटेट होगा। देखिए इन्वायरमेंट और हैबिटेट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, माहौलियात एक अलग चीज़ है, हैबिटेट एक अलग कंसेप्ट है, दोनों हालांकि एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है दोनों भी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, फिर यहाँ पर हैबिटेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी का जो रिचेस्ट सोर्स है, यानी विटामिन डी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा विटामिन डी कहाँ से हासिल हो सकता है? तो सोया मिल्क से हासिल हो सकता है, यानी सोया दूध से, या टोना से हासिल हो सकता है, ट्यूना से, या चीज पनीर से हासिल होता है, या सभी से, ऑल ऑफ दी अबव से हासिल होता है। तो विटामिन डी के जो जराए हैं ये सभी के सभी हैं, सोया मिल्क से भी हासिल होता है, ट्यूना से भी हासिल होता है, चीज़ यानी पनीर दूध वाली सभी चीज़ों के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है। तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, फिर यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबो आएगा। तो जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश कंट्रोल ऑल अदर बॉडी ऑर्गन्स, यानी दिगर तमाम जिस्म के अज़ा को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है ये आपको पता है, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो मेन कंट्रोल पावर वो कहाँ पर होता है, हमारे दिमाग में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर मौजूद है ब्रेन। तो इसमें हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पूरी बॉडी का जो मेन कंट्रोल पावर होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे दिमाग में होता है। जब दिमाग कोई चीज़ का, किसी बॉडी पार्ट को कुछ काम करने का हुक्म देता है, ऑर्डर देता है, तब जाकर हमारे बॉडी पार्ट वो हरकतें करते हैं, यानी पूरे के पूरा जो जिस्म है वो किसके अंडर होता है, ब्रेन के अंडर होता है। तो यहाँ पर ब्रेन जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइंस के ज्यादा क्वेश्चन देखने में आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे हर सेट के अंदर साइंस के ज्यादा क्वेश्चन है, तो साइंस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है साइंस की, आपको पूरी की पूरी रीड करनी है 10th तक, ओके। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, यानी मंदरजा जैल में से कौन सी धातु में सबसे ज्यादा पिघला होता है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका टंगस्टन, के टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है, मरकरी यानी पारे का है, गोल्ड यानी सोने का है, या फिर गैलियम का है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमको ये मालूम होना चाहिए जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उनके आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है टंगस्टन, यानी टंगस्टन का जो मेल्टिंग जो होता है नुक्ते पिघला वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टंगस्टन के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम द फूड ग्रेन इन होम, यानी क्या है, मंदरजा जैल में से कौन सा तरीका घर में खाने की अशिया से गैर पसंदीदा अज्जा को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब खाने की अशिया जैसे कि गेहूं, चावल हो गया, इसके अंदर जो कंकर, पत्थर या गैर जरूरी जो चीजें आ जाती हैं, तो इनको हम कैसे साफ करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या कहा गया, स्पेशली इन होम यानी घरों के अंदर आमतौर पर? तो विनोइंग करके यानी छांटने के जरिए, हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनने के जरिए, सेडिमेंटेशन यानी तरतीब से, या फिल्ट्रेशन यानी तकतीर से। तो ये सारे अमल घरों पर नहीं किए जाते, ये तीनों भी अमल घरों पे अगर हम जनरली देखें तो हैंड पिकिंग यानी जो घरेलू औरतें अगर हम देखते हैं तो गेहूं चावल को हाथ से चुनती हुई नजर आती हैं,
यानी उनको हाथ से चुना जाता है, हैंड पिकिंग का तरीका यहाँ पर अपनाया जाता है। कहाँ पर? घरों के अंदर। ओके, तो यहाँ पर घरों के अंदर ही पूछा गया कि होम यानी एट होम हम कौन सा तरीका अपनाते हैं ग्रेन्स को या अनाज को साफ करने के लिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस चेंज और फॉर्म एन एटीट्यूड, एग्जाम्पल ऑफ सच इन्फ्लुएंसेस इज, यानी मीडिया से मुतालिक असरात भी रवैये बदलते हैं या इसकी तश्कील करते हैं, बतौर मिसाल ऐसे असरात डैश को शामिल हैं, यानी मीडिया जो होती है, जैसे मीडिया के अंदर क्या क्या आता है, जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन हासिल होती है, जैसे इंटरनेट हो गया, ऑडियो विजुअल मीडिया जैसे टीवी, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें, या फिर स्कूल की टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर, ये सब मीडिया में आता है जहाँ से हमको नई मालूमात हासिल होती है। तो इसकी वजह से भी जो हमारा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इसमें चेंजेस आते हैं, रवैये में तब्दीली आती है। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे मीडिया हैं या ऐसे कौन कौन से जराए हैं मीडिया के जिनके जरिए बिहेवियर या रवैये में या एटीट्यूड में चेंजेस आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट के जरिए, ऑडियो विजुअल मीडिया यानी जैसे टीवी हो गया, ऑडियो विजुअल में टीवी आ जाता है, वीडियोस आ जाती हैं उसके जरिए, या ऑप्शन नंबर सी है ए बी एन सी यानी एक्चुअली यहाँ पर स्कूल की टेक्स्ट बुक दिया है सी में, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, स्कूल ए बी एन सी, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, डी में दिया है स्कूल की टेक्स्ट बुक, और यहाँ पर सी दिया है कि ए बी और सी तीनों भी, यानी ये तीनों भी अगर हम जनरली देखें तो तीनों के तीनों ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब होगा फिर वो क्या होगा, देखिए ए बी और सी यानी तीनों भी इंटरनेट के जरिए भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया यानी टीवी वगैरह के जरिए भी, और स्कूल टेक्स्ट बुक में भी कुछ ऐसी कहानियां या कुछ ऐसी चीजें होती है जो रवैये या एटीट्यूड में तब्दीली लाती है। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा फिर, ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी ए बी और डी होना चाहिए था, ए बी डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाइड्रोजन इज टू वाटर एज डैश इज टू बी टेबल सॉल्ट, यानी क्या है, हाइड्रोजन पानी के लिए वैसे ही है जैसे डैश खाने के नमक के लिए है, यानी हाइड्रोजन पानी का क्या है, किस कैसा ताल्लुक है हाइड्रोजन पानी का, उसी तरह से खाने के नमक का किस चीज से ताल्लुक है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक सालमा है जिसके जरिए पानी तैयार होता है, H2O हमको पता है पानी का जो फॉर्मूला है, यानी पानी के जो फॉर्मूले में H जो है H के दो सालमे होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन है ये क्या है, पानी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैसे ही जो टेबल सॉल्ट होता है, जो हमारा खाने का नमक होता है, फिर उसमें यहाँ पर क्या शामिल होता है, जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन भी शामिल होता है, तो जो खाने का नमक होता है हमारा उसमें क्या शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हीलियम, सेकेंड है नाइट्रोजन, सी है सोडियम और डी है ऑक्सीजन। तो क्या आएगा जो खाने के नमक में क्या शामिल होता है, तो देखिए खाने के नमक में हमको पता है कि सोडियम शामिल होता है, तो जैसे हाइड्रोजन का पानी से ताल्लुक है वैसे सोडियम का खाने के नमक से ताल्लुक है, यानी वो उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक सालमा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वेबसाइट्स हैव अ मेन पेज कॉल्ड द डैश व्हिच एक्ट एज अ डोरवे टू द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट पेज, यानी ज्यादातर वेबसाइट में मेन सफा होता है जिसे क्या कहा जाता है, जो वेबसाइट के बाकी सफात का दरवाजा होता है, यानी एक अगर हम इंटरनेट ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, जैसे अगर हम टेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर हमको अलग अलग पार्ट नजर आएंगे, जैसे इंफॉर्मेशन का एक वहां पर हमको लोगो नजर आएगा, नोटिफिकेशन का होगा, फिर उसी तरह से रिजल्ट होगा वहां पर, मतलब अलग अलग तरह के, या कुछ ऑफिशियल पोर्टल होगा वहां पर, मतलब उस वेबसाइट से रिलेटेड बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो दूसरे उसके सब पॉइंट है आपको उस पेज पर नजर आएंगे जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो वो पेज को क्या कहा जाता है, तो देखिए ऐसे पेजेस को होम पेज कहा जाता है, जहाँ पर जैसे ही किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है, जहाँ पर उस वेबसाइट के बाकी जितने भी फीचर्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वहां पर उनके आपको आइकॉन नजर आएंगे, उनके लिंक नजर आएंगी, तो
तो ऐसे जो फर्स्ट पेज होता है, जो कि डोरवे होता है, दरवाजा होता है बाकी के सफात के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शिंजो ऐप इज द, यानी जो शिंजो एबे है वो कौन है? ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ जापान है, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया है, जीके का क्वेश्चन है एक्चुअली, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। तो देखिए जो शिंजो एब है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? वो जो है प्राइम मिनिस्टर है जापान के। ओके, तो आपको जो जनरल नॉलेज है आपको वो भी मालूम होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज है उसे भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महा, महावीरा इज रिलेटेड टू द रिलीजन ऑफ, यानी महावीर का ताल्लुक कौन से मजहब से था? तो हमको पता है महावीर का ताल्लुक कौन से मजहब से था? जैन मजहब से। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि जैन मजहब से वर्धमान महावीर जो थे उनका ताल्लुक किससे था? जैन मजहब से था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिर जैन होगा। तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बारी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए के बुद्धिज्म, तो ये गौतम बुद्ध का मजहब था बुद्धिज्म। जैनिज्म, ये वर्धमान महावीर का जो मजहब था वो जैनिज्म था, यानी जैन मजहब था। हिंदुइज्म और जियोनिज्म। तो इसमें से जो सही जवाब है वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जैनिज्म। तो जैनिज्म से ताल्लुक इनका वर्धमान महावीर का था। ये आपको फिफ्थ क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर इनकी पूरी हिस्ट्रीज आपको मिल जाएंगी, कितने कितने मजहब के और कौन कौन उनके पैरवी करने वाले थे, उस मजहब को फैलाने वाले कौन कौन थे। जैसे जैन मजहब को वर्धमान महावीर ने फैलाया था, बुद्ध मजहब को गौतम बुद्ध ने फैलाया था। इस तरह से आपको तमाम मजहब के जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर बेसिक मिल जाएंगी। तो फिफ्थ की हिस्ट्री की बुक में आपको ये सारी बातें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर हैड रिटन द नेशनल एंथम्स ऑफ, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने देश के कौमी तराने या तरानों को लिखा था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन से जो कंट्रीज हैं उनके लिए कौमी तराने लिखे थे? तो फर्स्ट है इंडिया, सेकेंड है श्रीलंका, सी है बोथ ऑफ दी अबो, और डी एक्चुअली था नन ऑफ दी अबो। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने इंडिया के लिए भी जो नेशनल एंथम था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे, और श्रीलंका के जो नेशनल एंथम था उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बोथ ऑफ दी अबो, यानी इंडिया और श्रीलंका। ये या आपको याद रखना है कि दोनों कंट्रीज की जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड स्टैंड अंडर अ बीम और अ टेबल इनकी इन द केस ऑफ, यानी किस सूरत में हमें बीम और टेबल के नीचे खड़ा होना चाहिए? यानी ऐसी कौन सी कुदरती आफत के दौरान बचाव के लिए हमको टेबल के नीचे या बीम जो होता है उसके नीचे अपना बचाव करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए के वेल्केनो इरप्शन, तो वेल्केनो इरप्शन से क्या टेबल के नीचे जाने से बच सकते हैं? वो तो फ्लो करके वहां पर भी आ सकता है। फ्लड, सैलाब के नीचे भी अगर सैलाब आता है तो टेबल के नीचे ना जाते हुए हमको टेबल के ऊपर जाना होगा, यानी सबसे ऊपर की जो टॉप फ्लोर होता है या जो हमारी छत होती है टेरेस होती है वहां पर जाया जाता है फ्लड से बचने के लिए, ना के टेबल के नीचे छुपा जाता है। ओके, तो ये कॉमन सेंस वाली ही बातें हैं, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एहतियाती तदाबीर या फिर जो फर्स्ट एड होता है कि कोई भी कुदरती आफत आती है तो सबसे पहली जो चीज होती है हमें क्या करनी है, जैसे स्नेक बाइट के ने काटा तो हमें क्या करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको 6 या 7 की क्लास में साइंस की बुक में देखने को मिलेंगी कि कौन से एहतियाती तदाबीर या कौन से फर्स्ट एड आपको अपनाने हैं कुदरती आफत हो या इंसानी आफत हो, जो भी आफत होती है तो उसके टाइम पर। तो यहाँ पर है जो इसका सही जवाब होगा वो अर्थक्वेक होगा, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, जलजला आता है, तो जो जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जमीन हिलने लगती है, उसके अंदर एक वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से चीजें जो है वो अपनी जगह तब्दील कर देती हैं, गिरने लगती हैं चीजें। तो ऐसी सूरत में बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेबल या जो घर में पलंग होता है उसके नीचे जा सकते हैं, टेबल के नीचे जा सकते हैं, किसी मजबूत चीज के नीचे हम खड़े या चौखट के नीचे खड़े हो सकते हैं ताकि हम अपना बचाव कर सके। तो वेल्केनो इरप्शन, फ्लड में ऐसी चीजें नहीं की जाती,
अर्थक्वेक में बचाव के लिए टेबल के नीचे जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट इज, यानी जो पैमाइश है, मेजरमेंट है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन काम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक है प्रोग्नोसिस है, डायग्नोसिस है, ऑप्शन नंबर सी है रिसर्च है, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव है। तो देखिए इसका जो मेजरमेंट के जरिए हम सब चीजें करते हैं, डायग्नोसिस भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये गुड मैनर से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है, इफ देयर इज अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम द नेबर अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन सच कंडीशन। यानी अगर सुबह के वक्त पड़ोस से टेलीफोन कॉल आए तो आप इस तरह के हालात में क्या करना चाहेंगे। तो देखिए सुबह सुबह अगर कोई आपको कॉल कर रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बिना वजह तो नहीं करेगा कोई भी, जाहिर सी बात है कोई परेशानी, कोई तकलीफ होगी, कोई मुसीबत होगी, तभी हेल्प के लिए वो आपको कॉल करेंगे। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। यू रिफ्यूज टू अटेंड, यानी आप शिरकत करने से इनकार कर देंगे। यू इंस्ट्रक्ट हिम टू कॉल अगेन आफ्टर सम टाइम, आप इन्हें हिदायत देंगे कि कुछ वक्त बाद दोबारा फोन करें। या यू एक्सटेंड मैक्सिमम हेल्प एज अ गुड नेबर, या आप एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर ज्यादा से ज्यादा मदद फराहम करेंगे। या यू डिलिंग द टेलीफोन इमिजिएटली, यानी आप जो है फौरी तौर पर टेलीफोन को काट देंगे। तो देखिए सुबह सुबह अगर किसी का कॉल आता है तो हमें बींग अ ह्यूमन बनना है, यानी गुड ह्यूमन बींग की तरह हमें बिहेवियर करना है कि इतने सुबह अगर किसी ने कॉल किया है तो कोई मुसीबत होगी, तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे। फिर यू एक्सटेंड मैक्सिमम हेल्प एज अ गुड नेबर, यानी एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी पौधे का कौन सा हिस्सा मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। सॉइल इरोजन यानी क्या, जैसे मिट्टी ढसलने लगती है, मिट्टी का वहां से झीज होती है, मिट्टी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी जो मिट्टी की बर्बादी है या मिट्टी का जो इरोजन है, सॉइल इरोजन है या उसकी झीज है, तो पौधे का कौन सा पार्ट है जो उसको रोकता है। तो देखिए अगर आप फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रूट होता है वो क्या करता है, जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं, और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपनी जगह पर स्ट्रेट खड़ा हो पाता है। तो इसकी वजह से एक तो प्लांट को भी सहारा मिलता है खड़े होने के लिए, और जो मिट्टी होती है मिट्टी की झीज नहीं होती, क्योंकि मिट्टी जो जड़ें होती क्या करती है, मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है। और मिट्टी के अंदर जो मौजूद मेन जो भी चीज़ें प्लांट को ज़रूरी हैं, जैसे पानी हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ें वो क्या करती हैं, फिर जो प्लांट होता है उसके अदर पार्ट को पहुँचाती हैं। तो जो मिट्टी से जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है प्लांट का, वो कौन सा होता है, जड़ें होती हैं। तो आप ऐसा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो, लेकिन फिफ्थ सिक्स या सेवन की बुक में आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक सिक्स की बुक में है ये फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग उनके जो पार्ट दिए हैं उनके क्या क्या काम है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, फिर रूट्स होगा, क्योंकि रूट मिट्टी मिट्टी को क्या करती है, मजबूती से पकड़े रखती है, जिसकी वजह से मिट्टी की झीज नहीं होने पाती और मिट्टी बर्बाद होने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वेयर इज डेटा सेव्ड परमानेंटली, यानी डेटा मुस्तकिल तौर पर कहाँ महफूज किया जाता है। तो मेमोरी के अंदर किया जाता है। तो मेमोरी देखिए अगर हम देखेंगे तो मेमोरी क्या होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। मेमोरी जो होती है वो हमारी नॉन परमानेंट होती है, मतलब उसमें से डेटा जा सकता है, स्टोरेज में जमा होता है, सीपीयू में जमा होता है, या प्रिंटर में। तो प्रिंटर का काम डेटा स्टोरेज करने का नहीं होता, सीपीयू का काम भी नहीं होता है डेटा स्टोर करने का, सीपीयू का काम होता है कंप्यूटर के फंक्शन को अच्छी तरह से चलाना। और मेमोरी अगर हम देखेंगे तो एक रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो इन तो ये जो दोनों भी होते हैं ये कौन कैसे होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कहा जाता है, यानी इनके अंदर जो होता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो मालूम होती है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये हमारी नॉन परमानेंट होती है, मतलब यहाँ से जैसे ही आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो चला जाता है, वो वहाँ पर सेव नहीं होता है। ओके, तो ये रैंडम एक्सेस और जो मेमोरी होती है उसके दो पार्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों पर के भी अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली फिक्स नहीं होता है। तो परमानेंटली हमारा डेटा कहाँ पर सेव होता है, स्टोरेज के अंदर जाता है, वो
स्टोर हो जाता है, जैसे हमारा स्टोर रूम होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को महफूज करके रख देते हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती ऐसी चीज़ों को हम स्टोर रूम में महफूज करके रख देते हैं, तो वहाँ पर वो स्टोर रहती है कई दिनों तक, जब तक हम खुद से उनको वहाँ से ना निकाले। तो उसी तरह से जो स्टोरेज होता है वहाँ पर भी चीज़ें परमानेंटली फिक्स हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं, जब तक कि हम उसको वहाँ से डिलीट या रिमूव ना करें। तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी जितनी बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ये आपको देखना है, यानी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार इज यूज्ड टू, यानी रडार का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है। जो रडार है देखिए सैटेलाइट की कंसेप्ट है, अगर सैटेलाइट से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो सैटेलाइट की जो कंसेप्ट है उसमें से एक रडार सिस्टम होता है। तो रडार सिस्टम का काम क्या होता है, टू लोकेट सबमर्ज सबमराइन यानी डूबी हुई पिन डब्बियों का पता लगाने के लिए, रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर्स यानी रेडियो रिसीवर से सिग्नल को रिसीव करने के लिए, या डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर की चीज़ों का सुराग लगाने और जाए वक्त मालूम करने के लिए, या लोकेट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट या जियो स्टेशनरी जो सेटेलाइट होती हैं तो उस तक पहुंचने के लिए। तो देखिए रडार का जो मेन फंक्शन या मेन काम जो होता है वो क्या होता है, डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी जो दूर की चीज़ें होती हैं उनका सुराग लगाने का जो काम है वो कौन करता है, रडार करता है। तो देखिए सैटेलाइट से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, तो ये कितनी ऊंचाई पर दागी जाती हैं, इसकी स्पीड कितनी होती है, एक चक्कर कितने वक्त में पूरा करती है, रडार किसे कहा जाता है, या जीपीएस भी पूछा जा सकता है, जीआईएस क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो सारी कंसेप्ट हैं आपको ये मालूम होनी चाहिए। ओके तो ये भी जो टॉपिक है ये आपको क्या करना है, रीड करना है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है उससे रिलेटेड ये सारी कंसेप्ट है, तो आपको इसको भी रीड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी मालूम हासिल कर लेते हैं कि जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो कौन थे इंडिया के। देखिए बहादुर शाह जफर, बॉन मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद, कब उनका कब पैदा हुए थे वो, 24 अक्टूबर 1775 में, 7 नवंबर, मतलब इन्होंने कब से कब तक हुकूमत की थी, 24 अक्टूबर 1775 से तो 7 नवंबर 1862 उनका दौरे हुकूमत था बहादुर शाह जफर का, यानी उनकी पैदाइश 14 अक्टूबर 1775 में हुई थी और वफात कब हुई थी उनकी, 1862 में हुई थी एक्चुअली। तो इस टाइम पर जो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल एम्परर को संभाल रहे थे। बहादुर, उनको बहादुर शाह दुवम भी कहा जाता था। कितने मुगल एम्परर थे वो, 20th यानी 20वें मुगल एम्परर और लास्ट मुगल एम्परर थे, मतलब बहादुर शाह जफर जो है वो कौन से थे, लास्ट वाले थे। ऑल्सो कंसिडर द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी जो मुगल हुकूमत थी उसके ये लास्ट रूलर लास्ट हुक्मेरा थे। ही वॉज द सेकेंड सन एंड द सक्सेसर ऑफ हिज फादर, यानी उसके उनके जो वालिद थे उनके वो दूसरे बेटे थे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये जानना है कि जो मुगल एम्परर है उनके लास्ट जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे, कौन लास्ट रूलर थे। तो बहादुर शाह जफर यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या है, द लास्ट मुगल रूलर ऑफ द इंडिया वॉज, यानी हिंदुस्तान का आखिरी मुगल हुक्मरा कौन था, औरंगजेब थे, बहादुर शाह थे, अकबर शाह दुवम थे, या फिर नन ऑफ दीज थे। तो देखिए इसका एक्चुअली सही जवाब तो यहाँ पर बहादुर शाह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह जफर नहीं दिया गया है, सिर्फ बहादुर शाह दिया गया है, इसके लिए आंसर की के अंदर नन ऑफ दीज कहा गया है इसका आंसर। लेकिन अगर अभी हमने मालूम हासिल की है तो हमको क्या पता चला कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दुवम जो थे वो यहाँ पर लास्ट मुगल हुक्मरा थे, यहाँ पर सिर्फ बहादुर शाह दिया गया है, यानी बहादुर शाह दुवम नहीं दिया गया है। तो जैसे अकबर अव्वल अकबर दुवम इस तरह से दो दो उनके अंदर नाम रखे गए थे, तो यहाँ पर बहादुर शाह दुवम या बहादुर शाह जफर जो थे वो कौन थे, आखिरी मुगल हुक्मरान थे। तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ बहादुर शाह देने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो नन ऑफ दीज जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस कर्टेरियरी आर टर्म यूज्ड इन, यानी हैबियस कॉर्पस और जो सेरेटियर रेरी जो इस्तेलाहत है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इस्तेलाहत है, स्पेस टेक्नोलॉजी के हैं। तो देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर जो नाम आया है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है ये आपको
पढ़नी है, यानी इसे GIS भी हम कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस पर भी टेट के अंदर बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ें भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। या फिर लॉ के अंदर ये कंसेप्ट आती है, या आइस हॉकी के अंदर ये कंसेप्ट आती है। तो ये जो ऊपर दी गई कंसेप्ट है उनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, लॉ यानी कानून की ये कंसेप्ट है, ये इस्तेलाहत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। UIDAI इज द एजेंसी वी मेंशन व्हाइल टॉकिंग अबाउट, यानी एक एजेंसी है जिसका तस्करा हम डैश के ताल्लुक से बात करते वक्त करते हैं। तो UID नंबर हम लोग मांगते हैं स्कूल में, कॉलेज में हमसे मांगा जाता है कि UIDAI आपका नंबर क्या है वो बताइए। तो कौन सी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये कंसेप्ट हमारे ध्यान में आती है, पैन कार्ड से रिलेटेड, वोटर आईडी से रिलेटेड, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, या आधार कार्ड से। तो देखिए नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आधार कार्ड का जब नाम आता है तो UIADAI आपके सामने ऐसे अल्फाज सुनने को आपको मिलते हैं, तो आधार कार्ड से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, फिर आधार कार्ड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन प्रेसिडेंट मे बी रिगार्डेड टू बी एन एग्जीक्यूटिव, यानी भारतीय सदर बहैसियत एग्जीक्यूटिव है, क्या है वो रियल है, यानी रियल एग्जीक्यूटिव है जो सदर होता है, प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, क्या वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है यानी मतलक होता है, ट्यूटर होता है यानी टिटूलर होता है यानी सिर्फ नाम का या बराए नाम होता है, या डेकोरेटिव होता है, आरआईसी होता है। तो देखिए जब अगर हम शहरियत की अगर बात करें, शहरियत की किताब अगर आप पढ़ते हैं, सिविक्स की किताब, तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कि भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ बराए नाम होता है। कैसे होते हैं, वो सिर्फ नाम के होते हैं, बराए नाम होते हैं, बाकी के जितने भी काम, जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सब किसकी होती हैं, वजीर आजम की होती हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की होती हैं। ओके, तो PM जो है यहाँ पर मेन हकीकी आला होता है, और जो सदर होता है वो सिर्फ बराए नाम होते हैं, सिर्फ उनके नाम से काम होता है, लेकिन बाकी के सारे हुकूक या सारा जो मेन पावर किसके पास होता है, वजीर आजम के, PM के पास होता है। तो हकीकी आला कौन होता है, वजीर आजम होता है, और जो सदर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो सिर्फ बराए नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। द कंप्यूटर एब्रीविएशन KB यूजुअली मीन्स, यानी कंप्यूटर के मुहावरे में KB का आमतौर पर क्या मतलब होता है। तो देखिए KB, उसके बाद होता है MB, फिर होता है GB, फिर होता है TB। तो इनके क्या मतलब होते हैं, तो KB का, सॉरी यहाँ पर KB चाहिए, KB का मतलब होता है किलोबाइट, इसका मतलब होता है मेगाबाइट, इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो बिट आता है, बिट के बाद बाइट आता है, तो मतलब पहले होता है बिट, फिर उसके बाद होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेट्राबाइट। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, कुछ 1024, यानी 1024 जब हम मिलाते हैं बाइट तो 1 किलोबाइट बनता है, 1024 किलोबाइट मिलाकर 1 मेगाबाइट बनता है, 1024 मेगाबाइट मिलाकर 1 गीगाबाइट बनता है। इस तरह से इनके असेंडिंग ऑर्डर है ये। तो KB का मतलब क्या होता है फिर, अगर हम इसके अंदर देखें, कंप्यूटर एब्रीविएशन के अंदर देखें, तो KB का मतलब होता है किलोबाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, किलोबाइट इसका सही जवाब होगा। ओके, और 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, अगर हम 1 बाइट की बात करें तो 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 1 बिट होते हैं, 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। और 1024 बाइट जब मिलते हैं तो बनता है 1 किलोबाइट। इस तरह से इनकी ये कंसेप्ट, ये इस्तेलाहत है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्स्टरडेम इज द कैपिटल ऑफ, यानी आम्स्टरडेम कहाँ की राजधानी है, कहाँ का कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे का, स्विट्जरलैंड का, नादरलैंड का, या जर्मनी का। तो देखिए जो आम्स्टरडेम है वो कहाँ पर मौजूद है, नादरलैंड के अंदर है, और वहां की वो क्या है, राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस से रिलेटेड है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ, यानी प्रोटीन मुश्तमिल है, यानी प्रोटीन में क्या क्या शामिल है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या और ऑल ऑफ दी अबव। तो प्रोटीन के अंदर तमाम चीजें शामिल होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, फिर ऑल ऑफ दी अबो जो है इसका सही जवाब होगा। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी जो मालूमात है आपको 6 की
साइंस की बुक में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन दिस डे इन 1972 द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन स्वीडन। सिंस देन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे स्टेट द डेट। यानी जो ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन के अंदर, तो उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाने का फैसला किया था। तो वो कौन सी डेट पर एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, तो 8 मार्च को तो वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है 5 जून या 22 मई, और ऑप्शन नंबर डी है 8 अक्टूबर। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो क्या है, देखिए 5 जून से जो है एनवायरनमेंट डे 5 जून को पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज डिप्लीटेड मोस्ट फ्रॉम द सॉइल आफ्टर अ क्रॉप इज हार्वेस्टेड। यानी कौन सा आंसर एक फसल काश्त के बाद मिट्टी में सबसे ज्यादा खत्म हो जाता है, यानी जब एक फसल की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है जब किसी क्रॉप को, तो मिट्टी में से कौन सा जो आंसर है वो सबसे ज्यादा मिकदार में खत्म होता है? तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फेट होता है या फ्लोराइड होता है, कौन सा होता है? तो इसका देखिए जो सही जवाब है वो क्या है, पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी जब किसी फसल की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो मिट्टी में से जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा मिकदार में कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पैरसेक इज द यूनिट ऑफ, यानी पैरसेक जो है वो किसका यूनिट है, किसकी इकाई है, किसे नापने के लिए पैरसेक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? डिस्टेंस को, टाइम को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को या मैग्नेटिक टाइम को? तो देखिए जो पैरसेक है वो जो इकाई है वो डिस्टेंस को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि द पैरसेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स और 2,06,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर। यानी मेन हमको क्या देखना है यहाँ पर कि जो पैरसेक है ये कौन सा यूनिट है, किस चीज़ को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके बीच में जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसे नापने के लिए पैरसेक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसका यहाँ पर हमको बता दिया है कि कितने किलोमीटर इसमें शामिल होता है, तो 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर एक पैरसेक यूनिट होता है। तो इन लार्ज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस माप करने नापने के लिए यहाँ पर पारसिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अपारसिक, वेट अ मिनट, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पारसिक क्या है। पारसिक इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज अ पैरेलेक्स एंगल ऑफ एन आर्क सेकेंड। यानी पारसिक क्या है, डिस्टेंस है सन से बाकी के जितने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उनको काउंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि पारसिक क्या है, डिस्टेंस काउंट करने का एक यूनिट है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा डिस्टेंस। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।